खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन में रीवा में प्रधानमंत्री की होने वाली सभा को देखते हुए रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने रीवा के सवन थाना, सिविल लाइन थाना, चौरहटा थाना, बिछिया थाना, अमहिया थाना, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कई फोर व्हीलर वाहनों को चेक किया। आपको बता दें, 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा दौरे पर हैं, जिसको देखते हुए रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान समान थाना क्षेत्र अंतर्गत कई शराबखोरी करते हुए युवकों को पकड़ा। वहीं बता दें कि पुलिस को देखते हुए कई शराब पीते हुए युवक भाग खड़े हुए। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रीवा में चेकिंग अभियान चलाया गया है और सभी गाड़ियों को चेक किया गया है। वहीं रीवा शहर के थाना को अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया गया है। देखिए सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने मीडिया से क्या कहा। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री महोदय के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये चेकिंग दिनांक 24-25 तक ऐसे ही सघन चेकिंग चलती रहेगी, जिसमें हम आने जाने वाले प्रत्येक वाहन को चेक कर रहे हैं। साथ ही उनकी नाम, नंबर, डिटेल, मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम से आए हैं, अगर कोई बाहर से आता है, उनकी आउटर में भी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। बाईपास पर भी चेकिंग लगी हुई है। पूरे शहर में सभी थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग लगाई गई है और इनको विशेष बल भी उपलब्ध कराया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से। जी हाँ, फोर व्हीलर अब कंटिन्यू चेक की जाएंगी। किसी भी समय किसी भी स्थान पर थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग लगा दी जाएगी। इनको पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा चुके हैं, बल भी दिया जा चुका है, तो शहर में किसी भी समय ये चेकिंग जारी रहेगी। अभी वर्तमान में चेकिंग समान तिराहा, ताला हाउस, पीटीएस चौराहा, एसएएफ चौराहा, इटौरा बाईपास, चौराटा बाईपास इत्यादि स्थानों पर चल रही है। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।